लेके क्या आई हो ये बताओ। ये हमारी है, ये सब हमारे हैं। ये रेहान की रुमाल है, एक हमारी रुमाल है, और ये हमारी रास्ते में पढ़ने के लिए छोटी तस्बीह है। अच्छा, ये छोटी। और ये बेटी खाले की टूट गई तो बेटी खाले ने ये ली है। अच्छा, तस्बीह ली है। और ये अम्मा के लिए सादा सुरमा लिया है, ने लगने वाला लिया है। अच्छा, तेज वाला। हाँ, तेज वाला। नाजा खाला ने नाजा खाला के लिए, ये नाजा खाला की। दो ढाई घंटे में ये किया है। हाँ, ये किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे बोल रही हूँ। नेक्स्ट डे और इस वक्त फिर से इफ्तार का टाइम हुआ जाता है और ये हैम्पर आए हुए हैं, सब लोग देख रहे हैं एक्साइटमेंट से। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आफ्रीन हर्बल्स की तरफ से आए हैं। ये वाला है भाभी के लिए और ये वाला है मेरे लिए। इसे अनबॉक्स करेंगे थोड़ी देर बाद, इफ्तार के बाद, फिर देखेंगे क्या क्या भेजा है। देखने में कितना अच्छा लगता है ना, ऐसे शादी में सच के जाते हैं ना। देखो क्या चीज है, क्या है, खोलो देखो। ये लैम मिला है, लैम जल रहा है। रेहान आया चॉकलेट का। रेहान सोचा क्रिकेट देख। रेहान सोचा मेरे काम का तो कुछ नहीं, चॉकलेट तो देखा। सारा को भी क्रिकेट पसंद है। चलो सब बांट बांट के खा लेना, ठीक है। इधर इधर बांट बांट के खा लेना। माशाल्लाह तीनों प्यारी प्यारी बच्चियां नमाज पढ़ रही है, जो कि थोड़ा लेट हो गई है सर के लिए, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, जल्दी से पढ़ लो। माशाल्लाह तीनों बहुत ही प्यारी लग रही है। अल्लाह तुम लोगों की दुआ कबूल करे। मेहर दुआ मांगी मांगी थी तुमने सारा? हाँ मांगी। रिजा मेरे लिए मांगी, मेरा ये ठीक हो जाए। ये आज दिखा के आया सर्जन को, क्योंकि इन्फेक्शन थोड़ा सा हो गया था, लेकिन वो कह रहे हैं अब ठीक हो जाएगा। मेहर का मेजरमेंट नहीं है तो भाभी लेके जमील भाई को भेज रही है ईद की ड्रेस के लिए। सारा असिस्टेंट बनी हुई है, सारा सही लिखना पता चला जब बन गया है। तुम्हारी जैसे जब सही नहीं आई तो सारा 24.5 थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा जितना पहनी है उससे। 47 कलर ले, 47 के बाद लिटरली इतना सा। आज अम्मी ने बनाया है स्पेशल मटन भाई के लिए। भाई भाभी अभी खा के नहीं, भाभी तो खैर नहीं खा रही, भाई खा के चले गए हैं। और ये हमारा खाना, लोग खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। सब लोग खाने में इतना नियत लगाए बैठे हैं, कोई देख ही नहीं रहा है, सब ज्यादा भूखे हैं। इसकी हम करेंगे अनबॉक्सिंग, इंस्टाग्राम पे डालेंगे स्टोरी। और रेहान तुम ये भाभी का ऊपर दे। ओ तेरी ओ कोई बात नहीं, पैर में लगी, रुक जाओ। मेहर बेटा उठा दो। अच्छा वो नहीं गिरा ना, ठीक है ठीक है। तुम लोग कहाँ गए थे, हंसते हुए आ रहे थे? ये लोग मेरे लिए हेल्प करके दे रही हैं, सब कुछ अनबॉक्स करके, क्योंकि बहुत ज्यादा चिपका है ना हॉट ग्लू गन से। हाँ। मोतियां बिखरा दी पूरी। मैंने नहीं खा रखी। ये है क्या, मैं दिखाना? अच्छा ये बखूर जलाने का तो नहीं है क्या? जलाने का ये वही है सारा, इसमें वो डालेंगे ना बखूर तो परफ्यूम जैसी स्मेल आएगी। फ्रेंड्स मुझे लगता है ये इलेक्ट्रिक वाला बर्नर है, इस पे हम ये बखूर डाल के देखते हैं। ये हम इस पे डाल देते हैं। अब देखते हैं इससे महक आती है, जो हम सोच रहे हैं ये वही चीज है या कुछ और है। आने लगी, बहुत ही अच्छा, देखिए धुआं भी निकलने लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको यहाँ पे रख देंगे, पूरे घर में महकेगा। अच्छा है ना, क्या क्या चीजें चल गई है बता। तो पहले उस अगरबत्ती आती थी, लगा दे दीवार में कहीं को तो। अगरबत्ती भी दी है वैसे इन लोगों ने, ऊद वाली, और ये बहुत सारी चीजें दी है। फ्रेंड्स मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ क्या है। ये हर्बल मेहंदी है, ये मेहंदी है कोन है, और ब्लैक आउटलाइन वाली भी मेहंदी है। ये फेस पैक्स है और अम्मी कराटे बज रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स ये अतर है, बहुत ही अच्छा। मोबाइल लिया है, ये अतर आया अम्मी। सुरमा तुम ले लेना, इससे आ रही है। खुशबू कहाँ से आ रही है? इससे आ रही है, यहाँ से आ रही है। फ्रेंड्स हमने ये मंगाया ऊपर से। इस पे फ्रेंड्स हम लोग को अब ज़कात के लिए ना वो करना, नापना है, क्या बोलते हैं, वेइंग स्केल। मेरा हाथ कितना है देखो, वही नहीं रहा, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं नहीं नहीं, सबको सबको सब मिल बांट के लेंगे। ओह देखो इसकी मस्ती देखो, लेकिन जो भी लेगा वो आधा आधा बांट के लेगा। इधर मिल चाहिए किट कैट? नहीं ना, इतनी आप एक उसको दे रहे। मैं नहीं, 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 दो नहीं मिलेंगी, चार लोग है ना। दो दो एक, नहीं, 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 नहीं। मैं तो भी मीठा कम खाऊंगा। उसको दे दो, मेरी इसी की मुझे दे दो, हम दोनों नहीं ले रहे हैं। तुम दोनों नहीं ले रहे हैं? हम दोनों का एक पॉइंट तो क्या है, आप ले लो। नहीं नहीं, रिजा अभी वैसे भी नहीं खा रही, और रिजा अब करेगी डाइट। बताओ कौन सी चाहिए, आप बताओ कौन सी चाहिए।
तो मुझे लेना पहले आप तुम अपनी आधियों से देना, तुम अपनी आधियों से देना। चलो एक फेस पैक तुम लगाना, एक फेस पैक बेटी का ला, इसे घोल के मैं दूंगी लगाना। अच्छा, और अपना अपना अम्मी को भी जब घोलना तो अम्मी को भी लगा लिया सर अमित तो सारा एक चॉकलेट की पीस है इतनी दे दिया। वो कह रही डेरी मिल्क नहीं खाते तो मैंने कहा अच्छा एक पीस आप ले लो। हाँ नहीं एक पीस मुझे दे दो, दो दिए ना। चलो ठीक है आपस में सॉर्ट आउट कर लो बिना शोर करे। सुरमेदानी अच्छा लग रहा है। सुरमेदानी दिखाओ, सुरमेदानी सुरमेदानी का कोई एक गाना था ना, सुरमेदानी क्या बनो तेरी है कि सुरमेदानी। अम्मा ये ईद पे लगाना बालों में, इससे आपके ऐसे कलर के बाल हो जाएंगे। पैर के नहीं है ये, नहीं होंगे वही लगती है। हाँ वही ये काला वाला ये मतलब अगर जिसको खराब मेहंदी लगवानी हो तो वो मुझसे लगवा पैर के लिए की गारंटी नहीं ले सकते। ये कौन से ये कौन से कौन है लिखा नाखून ये रख दो ये काटो ये नींबू वाला साहब। और शिट मैंने अभी स्टोरी तो डाली नहीं है, सबको बांट दिया हमने खोल भी लिया खा भी लिया नहीं खाई किटकैट खा ली है रखती है अल्लाह ये रख दिया। ये डियो है, डियो नाजा खड़ा नहीं लगाती क्योंकि उसको होता है एलर्जी तो ये तुम दे दो। अम्मी आप भी नहीं लगाती, आप इतना लगाती है ये लेकिन बार एक काम करेंगे तीनों लगाएंगे। लो भैया अभी से ईद की तैयारी शुरू हो गई है। पैरों के नाखून सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, रचे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। हाथ में भी अब जब कोई नेल पेंट नहीं लगाता तो यही बिल्कुल नेल पेंट की जैसी हो जाती है नेल पेंट वाले। तो यहाँ तो भैया पीछे ईद की तैयारियां जो है वो छोटी मोटी स्टार्ट हो गई है। अब देखेंगे इनका कलर कैसा आता है, अभी तो इन्होंने नेल्स पे लगा लिया है। हाँ फ्रेंड्स वैसे सही भी है, पहले से थोड़ा तैयारियां शुरू कर दो तो अच्छा रहता है। चांद रात में बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाता है, हम लोगों का हमेशा यही होता है कि लास्ट रात में इतनी थकान भी होती है, फिर ईद के दिन वो सारी थकान निकलती है और चांद रात में मार्केट में बहुत ज्यादा रश भी हो जाता है। तो इसलिए लोग पहले ही इनको पार्लर वार्लर जाना है तो अगर कोई घर पे आएगा करने तो देख लेंगे, या फिर इन लोग को जाना होगा तो ये लोग जाएंगे। फेशियल भी मेहंदी भी सब कुछ थोड़ा सा चांद रात से एक दिन पहले करा लेंगे ताकि थोड़ा आराम मिल जाए, क्योंकि फिर इतना थक जाते हैं चांद रात में कि ईद के दिन फिर कुछ मन नहीं करता है। लेकिन चांद रात में एक दिन एक रात पहले निकलने में भी मजा आता है। वो छोटा मोटा जो ऐसे हाँ, ले लो हाँ, चूड़ी ले लो कुछ ले लो, लेकिन जो वैसी तैयारी है हाँ, वो पहले से कर लो, मतलब फेशियल वेशियल ले लो पहले करा लेंगे ताकि निखार आ जाए ईद तक है ना दो दिन पहले। तो फिर जो भी करेंगे वो इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करेंगे। आप लोग भी बताओ क्या हो रहा है। अम्मा के भी नाखून हो जाएंगे।